इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने के लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल में यह बिल्कुल अलग है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था आज भी खराब ही है। स्कूल में कक्षा अधिक है तो शिक्षक नहीं, और अगर शिक्षक है तो पढ़ाने के लिए कमरे नहीं। यहाँ तक कि बच्चों को जमीन पर बैठा कर पढ़ाया जाता है। यह अलग बात है कि बेंच डेस्क के लिए टेंडर कराया जाता है कि सभी बच्चे आराम से बेंच में बैठकर पढ़ाई करें। धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड अंतर्गत भरमुड़ना स्थित अन्य विद्यालय भटमुड़ना में आज भी बच्चे जमीन पर बैठ पढ़ाई कर रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि अधूरे कमरे में एक साथ तीन तीन क्लास के बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। पांच कमरे वाले एक स्कूल में एक से लेकर कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है, लेकिन कमरे मात्र तीन हैं। अब ऐसे में एक ही कमरे में क्लास एक से लेकर तीन तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा। अगर प्रारंभिक पढ़ाई की नींव ही ठीक नहीं हो तो आगे बच्चे कितना सीख पाएंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कमरे के ब्लैक बोर्ड को तीन भाग में बांटकर गुरुजी बच्चों को उनका पाठ्यक्रम बता रहे हैं। एक तरफ पढ़ा रहे सिखा रहे गुरुजी, दूसरी ओर अन्य कक्षा के बच्चे मस्ती कर रहे हैं। यानी स्कूल में पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर केवल खिलवाड़ खानापूर्ति हो रही है। एक ही कमरे में पढ़ाई करने वाले छोटे छोटे छात्र छात्राएं भले यह कहे कि सब समझ आ रहा, अच्छी पढ़ाई हो रही, लेकिन ये तस्वीर साफ बता रही कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, कितना भविष्य उज्जवल हो पाएगा। स्कूल के सहायक प्रधानाध्यापक अभिलाषा झा कहती है कि एक से आठ क्लास के बच्चों को जो संसाधन है उसमें ईमानदारी से पढ़ाई करवा रही है। अब कमरे पांच ही है तो एक कमरे में एक साथ तीन क्लास के बच्चों को बैठाकर पढ़ाई करवाना पड़ता है। कमरे बनवाने की राशि एक बार आकर वापस हो गई। लगभग दो साल से कमरे अधूरे पड़े हैं। कौन से क्लास में है? क्लास। तो और भी बच्चे जमीन पे बैठते हैं? हाँ। कितने बच्चे बैठते हैं? आज तो कम आया। आज कम आया है, इसीलिए आप लोग चार ही बैठे हैं। तो मास्टर साहब को बोलते नहीं कि हमको भी बेंच दीजिए? पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? यहाँ और भी क्लास चलता है क्या इस कमरे में? कौन कौन क्लास चलता है? कौन से क्लास में हो? यहाँ और भी क्लास चलता है, क्या चलता है? एक ही कमरा में? क्लास चलता है, दिक्कत होती है पढ़ने में? सर हम लोग तो कोशिश करते हैं कि एक ही बच्चे एक ही क्लास में तीन तीन क्लास चलता है, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारे पास उतने कक्षा नहीं है। जो बच्चे को हमारा शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, और पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग कोशिश तो करते हैं सर कि बच्चों को अच्छी माने उन पर शिक्षा मिले, मगर हमारी मजबूरी है कि हम बच्चों को एक क्लास में ही एक कक्षे में तीन तीन क्लास को बैठाना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक क्लास में एक शिक्षक ही जाएंगे और तीन क्लास चलेंगे, तो एक क्लास में एक चलता है तो दूसरे क्लास को स्टॉप करना पड़ता है, उनको संभालना पड़ता है, फिर उसको स्टॉप करते हैं तो दूसरे कक्षा के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। इस तरह से हम लोग को सामना तो करना पड़ता है सर, बहुत काफी दिक्कतें के साथ। कमरे नहीं है, फंड नहीं है, कक्षा नहीं है। हाँ, कमरे नहीं है, कमरे बहुत कम है। यहाँ वन से एट तक क्लास चलते हैं और कमरा मात्र आपका तीन चार पाँच कमरे लिख के दिए हुए हैं, और बोला गया है कि बहुत जल्द आगे की फंड आएगी जो अधूरे कमरे हैं उनके लिए। दो साल करीब